हे हाय एंड वेलकम टू माय चैनल, आई एम डॉक्टर अमित गुप्ता। और आज का जो मेरा वीडियो है वो हाईली डिमांडेड वीडियो है स्कार जेल के ऊपर। लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए मेरे को कि आप हर टाइप की वीडियो बनाते हैं बट स्कार के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया है। और बहुत सारे लोगों को स्कार हो जाते हैं, एक्ने स्कार होते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो गया उसके बाद स्कार पड़ जाता है, कट हो जाता है तो स्कार पड़ जाते हैं, कोई भी वुंड हुआ तो स्कार पड़ गया, एक्सीडेंटल मार्क या स्टिच मार्क्स उसके स्कार है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करें, लोगों के क्वेश्चन थे, तो उसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको मार्केट में तीन बेस्ट जो कंपनियों के स्कार के जेल है वो है, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ये कि कौन सा बेस्ट और कैसी चीजें वर्क करती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बाजू में एक छोटा सा रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर दीजिए और एक घंटा है उसको दबा दीजिए ताकि जब भी मैंने कोई न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको वो पहुंच जाए नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि स्कार बनता कैसे है। तो जब भी हमें कोई इंजरी होती है, हमारे कट होता है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल कट लगा, तो जब हमें कट लगता है तो हमारी बॉडी एक सिग्नल भेजती है सेल टिश्यूज के पास कि हीलिंग करना है, हीलिंग करना है। तो इस टाइप का जब सिग्नल पहुंचता है रिपेयर के लिए तो वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट आ जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन को प्रोड्यूस कराते हैं, उसके प्रोडक्शन में बढ़ा देते हैं। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन इलास्टिन जो होता है वो एक टाइप का सेल होता है जो स्ट्रेंथ देता है हमारे टिश्यूज को, कोलेजन एंड इलास्टिन। तो ये बनाता कौन है? फाइब्रोब्लास्ट। और ये कब इस्टीमेट होते हैं? जब कोई कट लगता है या कोई इंजरी हो गई तो वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस जो हमारी बॉडी की होती है उसको वो कराता है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट सिग्नल भेजता है ताकि कोलेजन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। अब आप हम बहुत सारे ट्रीटमेंट जब करते हैं, लेज़र करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम वहाँ पे कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, बट यहाँ पे हमें ओवर स्टिमुलेट भी नहीं करना है क्योंकि जब ज़्यादा कोलेजन बहुत ज़्यादा बन जाता है तो वहाँ पे स्कार टिश्यू बन जाता है, एक थिक फाइब्रस टिश्यू बन जाता है। ये क्यों बन रहा है थिक फाइब्रस टिश्यू? बिकॉज वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा आ गया और कोलेजन को ज़्यादा बना रहे हैं। तो अभी हमें करना क्या है, वहाँ पे हमें कोलेजन की एक लिमिटेड मात्रा में रखनी है कोलेजन टिश्यू की, ताकि वहाँ पे एकदम से ज़्यादा थिक स्किन डेवलप ना हो। इसके लिए मार्केट में आते हैं ये तीन तरीके के बेस्ट, जो आते बहुत सारे हैं बट ये तीन में मैं भी लिया हुआ है। इसमें एक ओपेक्सा है जो अजंता कंपनी का है, ओपेक्सा जेल, ओके। और एक है कॉन्ट्रा ट्यूबेक्स जो बहुत पॉपुलर है, कॉन्ट्रा ट्यूबेक्स जेल, ओके। और एक है हेक्सिलेक, ये आप देखिएगा, ओके। तो ये तीन है, मैं इन तीनों बताऊंगा ये वर्क कैसे करते हैं। तो अभी तक हमने, मैंने आपको बताया कि स्कार बनता कैसे है और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो तीन मार्केट के बेस्ट जेल हैं स्कार के लिए ये वर्क कैसे करते हैं। तो इसमें एक ओपेक्सा है जो अजंता कंपनी का है, इसमें डायमेटिकोन है और एक कॉन्ट्रा ट्यूबेक्स है, इसके अंदर जो हेपेरिन सोडियम है एलेंटोइन जेल है और हेक्सिलेक में भी एल्युमिनियम सेपा एक्सट्रैक्ट है और हेपेरिन सोडियम एलेंटोइन जेल है। तो बेसिकली करता क्या है, जब आपने आपके कट हुआ, वुंड हुआ, अभी वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे वुंड होता है और हीलिंग प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, वहाँ पे वो सूखने लगता है, तो सूखता है तो उसकी जो सरफेस होती है वो ऐसे दूर दूर होने लगती है, टेंशन क्रिएट होता है और सरफेस दूर होती है। तो जितना सरफेस दूर होगी वो वहाँ पे उतना थिक स्कार बनेगा और बिकॉज वहाँ पे कोलेजन का जैसे जैसे ड्राई होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो फाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा बनते हैं, कोलेजन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे थिक स्कार लेयर बन जाती है। तो ये जो जेल होते हैं ये बेसिकली जब आप उसको दिन में तीन चार बार लगाना है, आपको थिक लेयर लगानी है आपको तीन चार बार, तो ये वहाँ पे डिहाइड्रेशन होने से रोकता है। याद रखिएगा, डिहाइड्रेशन होने से रोक रहा है और साथ ही साथ इसकी जो लेयर है ये वहाँ पे जब आप लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये वहाँ पे ऑक्सीजन का परमिबिलिटी भी बढ़ा देता है, तो हीलिंग प्रॉपर्टी फास्ट हो जाती है। बात को समझा, डिहाइड्रेशन रुक रहा है तो वहाँ पे रीहाइड्रेशन हो रहा है, तो कोलेजन लिमिट में बनेगा। जब ज़्यादा सूखता है तो ज़्यादा कोलेजन बनता है, ज़्यादा थिक लेयर बनती है, बट ये उसको रीहाइड्रेट कर रहा है तो वहाँ पे कोलेजन का प्रोडक्शन कम रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे उसको रीहाइड्रेट कर रहा है, साथ में ऑक्सीजन की परमिबिलिटी भी हो जाती है और साथ ही साथ ये उसकी जो जो टेंशन क्रिएट होता है वो टेंशन को भी ये रिड्यूस कर देता है। तो वहाँ पे जो टेंशन ऐसे बढ़ रहा है, इसको जो टेंशन को बढ़ रख के जो दूर दूर खींच रहा है वो टेंशन कम हो जाएगा, तो ये वहाँ पे पास पास आके हीलिंग प्रॉपर्टी फास्ट हो जाएगी, तो ये उसको हीलिंग होने में फास्ट हेल्प करता है। साथ ही साथ ये एक स्किन को फॉर्म, एक यूनिफाइड फॉर्मेशन बनाता है। तो जो ओपेक्सा की अगर मैं बात करूँ तो इसकी अगर MRP देखें हम तो ये 448 रुपीज़ का है, 448 का 10 ग्राम है, ओके। और कॉन्ट्रा ट्यूबेक्स की बात करूँ मैं तो ये अच्छा जेल है बट ओके, ये 1031 रुपये का है 20 ग्राम, ये
10 ग्राम है, 448 का 10 ग्राम, ये 20 ग्राम है और 1,000 रुपये का है। और हेक्सिलैक की बात करूँ मैं तो ये 324 पीस का है 20 ग्राम। मतलब सबसे सस्ता ये है हेक्सिलैक और सबसे बेस्ट है बिकॉज सेम कंपोजिशन आपको 1,000 रुपये में अगर मिल रही है क्वांटिटी बैक्स में, तो सेम कंपोजिशन आपको डबल क्वांटिटी में आपको 350 रुपये में मिल रही है 324 रुपीस में। तो ये हेक्सिलैक है जो आपकी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी बढ़ा देता है और हीलिंग फास्ट हो जाएगी। और अगर आप इसके जैसे आपको कोई भी स्कार हो रहा है तो आप ये फटाफट लगाना चालू कर दो, आपको दिन में 3-4 बार लगाना है, जितनी जल्दी आप लगाएंगे उसको उतनी जल्दी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा कि जब भी आप कोई भी इस टाइप के जेल लगाते हैं स्कार को रिड्यूस करने के लिए, तो याद रखिएगा जो न्यू स्कार होते हैं ये उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। आप अगर ओल्ड स्कार है, 5-10 साल पुराने स्कार, तो उनमें रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई न्यू स्कार बना है तो आप अगर उसमें लगाएंगे तो ये रिजल्ट बहुत अच्छे देंगे। इसको आपको कम से कम 5 से 6 महीने लगाना है, ऐसे नहीं कि आपने लगाया और आप देख रहे हो कि मैंने लगाया और मेरे को रिजल्ट आ जाएगा 15-20 दिन में, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज ये एक स्लो प्रोसेस होती है, हीलिंग बॉडी की हीलिंग एक स्लो प्रोसेस है और साथ ही साथ ये उसको रिमॉडल कर रहा है तो ये भी स्लो प्रोसेस है, तो ऐसा तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको फ्रेश एक्ने स्कार हुए हैं या फ्रेश कोई इंजुरी है, उसका वुंड है आपको फ्रेश है, तो आप इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगाना स्टार्ट करें। बट हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी भी ओपन वुंड में इन जेल को नहीं लगाना है जब तक वहाँ पे सुपरफिशियल हीलिंग नहीं हो गई है। जब एक बार सुपरफिशियल हीलिंग हो जाती है तो अंदर ही अंदर हीलिंग और चलती रहती है। आपकी एपिडर्मिस जब हीलअप हो गया आप इसको लगाना स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। आपको याद रखना है कि आपको इसको 3-4 या 5 बार लगाना है दिन में। क्यों लगाना 3-4-5 बार? आप इसको जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतना अच्छा है, वहाँ पे डिहाइड्रेशन होने नहीं देगा, ये वुंड को हीलिंग जो हो रही है उसको फास्ट कर देगा, उसको सूखने नहीं देगा, सूखेगा नहीं, ड्राई अप नहीं होगा, तो ये आपको उसको हीलिंग को फास्ट कर देगा। साथ ही साथ इसको आप 5 से 6 महीने मिनिमम लगाइए। और दूसरी बात, अगर आपको देखो मार्केट में जो तीनों ब्रांड है तो सबसे सस्ता हेक्सिलैक है बिकॉज और मैं इसको ज़्यादा अच्छा मानूंगा बिकॉज सेम कंपोजिशन आपको 350 रुपये में मिल रही है, 350 में भी नहीं, 324 में मिल रही है। और मैं से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं आपको सस्ती चीज़ें बताओ, तो मैं आपको सस्ती चीज़ें लेके आया हूँ, हेक्सिलैक जेल जो मार्केट में सबसे सस्ता है और मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये मेरा वीडियो। और इसको अगर आपको खरीदना है तो आप इसको बाय कर सकते हैं clickonkear.com में, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, www.clickonkear पे आप इसको खरीद सकते हो। और अगर आपको कोई भी स्कार हो, स्कार टिश्यू आपके है, तो आप इसको लीजिए, लगाइए और मुझे रिव्यू में बताइएगा, नीचे मैसेज करके बताइएगा कि रिजल्ट कैसे हैं इसके। और मैं इस बार सस्ती चीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, होप आपको पसंद आया होगा वीडियो मेरा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, और कोई भी इशू हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, उसकी लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको भी स्कार है उनको, और अगर इसको ज़रूर देखिएगा पूरा। और अगर आप कभी भी स्कार इन फ्यूचर, भगवान ना करे कभी कोई चोट लगे या लगती है, तो ये आपको जेल हेक्सिलैक बेस्ट है, सस्ता है, आपको रिजल्ट भी अच्छा देगा, 20 ग्राम है, 324 में, और बाकी भी अच्छे हैं, क्वांटिटी बैक्स भी अच्छा है एंड ओपेक्सा भी अच्छा है, बट थोड़े कॉस्टली हैं। तो बाय एंड हैव हेल्दी हीलिंग स्कार, बाय।